हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं एप्पल की रबड़ी बनाने का आसान सा तरीका। तो चलिए देखते हैं घर पर आसान तरीके से एप्पल की रबड़ी को किस तरह से बनाना है। एप्पल रबड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए एप्पल यानी सेब, चीनी और इलायची पाउडर, और हमें चाहिए यहाँ 1 लीटर दूध। इस 1 लीटर दूध को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे और खूब अच्छे से इस दूध को हम पका लेंगे जब तक कि ये खूब अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है। मीडियम आंच पे हम इस दूध को पहले एक उबाल दे लेंगे। जब उबाल आ जाएगा उसके बाद लगातार चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूध में उबाल आना शुरू हो गया है और अब हम इसे धीमी से मीडियम आंच पे लगातार चलाते हुए अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे जब तक कि ये दूध हमारा खूब अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। एप्पल की रबड़ी बनाने के लिए हमें इस दूध को काफी गाढ़ा करना है। यहाँ पर मैंने टोंड मिल्क का इस्तेमाल किया है और ध्यान रखिए, हमेशा रबड़ी बनाते समय, रबड़ी बनाने के लिए जब दूध को हम बॉईल करते हैं तो उसे हमें लगातार चलाते रहना है। इसी तरह से इसे धीमी से मीडियम आंच पे हम इसे तब तक के लिए पका लेंगे जब तक कि ये दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। हमें इसे इस तरह से चलाना है जिससे कि ये जो दूध है वो तली में लगे ना, तो बराबर इसे चलाते रहिए इस तरह से। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस रबड़ी को बनाते हुए हमें 25 से 30 मिनट हो गए हैं और मीडियम आंच पे लगातार चलाते हुए हमने इसे पका लिया है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये अच्छे से गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और अब हम गैस को कर देंगे धीमा और अब हम अपने एप्पल को छील लेंगे और अब हम ले लेंगे सेब। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक बड़े साइज का सेब है, हम ले लेंगे आधा सेब और इस आधे सेब को हम अच्छे से छील लेंगे। यहाँ पर हमने अपने सेब को अच्छे से छील लिया है और अब हम इस सेब को कर लेंगे कद्दूकस महीन वाले से। सेब को जब रबड़ी हमारी तैयार हो जाएगी उसके बाद ही हमें इसे छील के घिसना है, नहीं तो ये काला हो जाता है। यहाँ पर हमारा ये सेब घिस गया है। इस सेब को हम डाल देंगे अपनी इस रबड़ी में और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को हमने धीमा ही रखा है अब, और अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर और चीनी। पांच छोटे चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है हमने यहाँ पे, क्योंकि सेब भी हमारा मीठा होता है और दूध में भी थोड़ी सी मिठास होती है। और इन सबको एक साथ करके 5 से 10 मिनट हम इसे और अच्छे से पका लेंगे। और तब तक इसे पका लेंगे जब तक कि हमारा सेब जो है वो अच्छे से गल के रबड़ी के साथ मिक्स नहीं हो जाता। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो रबड़ी है ये बन के तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से आप चेक कर सकते हैं इस तरह से, और जो सेब है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गए हैं। तो चलिए आइए अब इसे निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये तैयार है एप्पल की रबड़ी यानी सेब की रबड़ी। और अब हम इसमें डाल देंगे, ये मेरे पास है थोड़ा सा और इलायची पाउडर गार्निशिंग के लिए, और हम इसमें डाल देंगे थोड़े से कटे हुए बादाम। आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, ये एकदम ऑप्शनल है। तो ये लीजिए, ये तैयार है सेब की रबड़ी यानी एप्पल रबड़ी। आप चाहें तो इस तरह के मिट्टी के बर्तन में इसे निकाल कर नॉर्मल टेम्परेचर पे करके
फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। एप्पल की रबड़ी बनाने के लिए आप 2 से 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें कि जब आप रबड़ी बना रहे हैं उसके लिए जब आप दूध खौलाते हैं तो उसे लगातार चलाते रहें। तो आप इसे बनाइए और इंजॉय कीजिए, और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।